तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो बनाते हैं तो आपके साथ भी ये होता होगा ना कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होता होगा कि वीडियो बनाते हैं तो मतलब इनका ध्यान फोन पे ही है। कुछ कमेंट्स तो आसपास से आते होंगे कि मतलब कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम सिर्फ वीडियो ही बनाते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है, है ना। तो जबकि ऐसा नहीं होता है, सुबह का हम सारा काम करते हैं, घर का अपना और सभी कुछ कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, भाई हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, सारे काम होता है। तो ऐसा नहीं है, तो आप इग्नोर करना शुरू कर दो। अगर आपको वीडियो बनानी है, आपका आपको ये अच्छा लगता है, आपके दिल को ये सुकून देता है, तो आप सबकी बातें इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि यही करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी चाहिए तो आपको सबकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो इस चीज़ को नहीं करता है, जो जिन लोगों को वीडियो का शौक़ नहीं है, तो वो ऑब्वियसली है कि उनको मतलब नहीं समझ आएगा कि मतलब जो वीडियो बनाते हैं उनको कैसा सुकून मिलता है। तो भाई मैं वीडियो बनाती हूँ और जो भी मतलब मैं बनाती हूँ, वो जैसे वीडियो डालती हूँ तो मुझे उसमें अच्छा लगता है और मुझे उसमें खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि सबको ही उसमें खुशी मिलती है और जितने भी फ्रेंड्स हैं यूट्यूब के, उन सबको ही उसमें खुशी मिलती है। और जब खुशी मिलती है ना, तो इंसान ये नहीं देखता कि कौन क्या कमेंट पास कर रहा है ना। तो कमेंट पास करने वालों को कमेंट पास करने दो, अब यही सोच लिया है, और वीडियो बनाते रहो, हैप्पी रहो। 4 दिन की लाइफ है यार, क्या यही सोचते रहेंगे क्या कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन सबके बारे में अगर सोचते रहेंगे ना, तो अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ हम कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बढ़िया यही है कि लाइफ शॉर्ट है, इसको एंजॉय करो और अच्छे से जियो। हेलो दगड़ियो, कंचो तुम ठीक ही वेला है? ठीक ही तू वेला, मीवी के पुछड़ू रहन तुम ते। हेलो दगड़ियो, कंचो तुम तो ठीक ही वेला, तुम मीवी तुम देखी पुछड़ू रहन, बड़ो ते म्यान नमस्कार और छोटो ते म्यान ढेर सारा प्यार। तो दगड़ियो, अब ये भी सी आछन, मैं तुम तो बता ची कि यू ते भी अलग वैक्सीन लगी, तो थोड़ा ही रेस्ट पर छिन आजकल, आजकल मतलब ब्याल बटे, तो कल से रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन लगी थी, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन है। तो द फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सृष्टि अब नहा के आ रही है, इसको मैं कब से बोल रही हूँ नहाले नहाले नहाले, गंदी बच्ची, शकल दिखाइयो, नहा के तब भी नहीं लग रही नहा के। कोई कह रहा था कमेंट में कि सृष्टि का जूड़ा बहुत अच्छा है। सृष्टि का जूड़ा बहुत अच्छा, दिखाना जरा एक बार, जूड़े का राज दिखा खोल के, दिखा पीछे हो थोड़ा, पीछे एक बार, थोड़ा पीछे हो, अपने जूड़े का राज दिखा दे एक बार, क्या आखिर ये जूड़ा तेरा क्यों बनाया जाता है, एक बार जूड़े का राज दिखा, ये क्या है, ये क्या है भाई। ओहो, सो फ्रेंड्स, सृष्टि का ये लिप ग्लॉस है, इसके होंठ बहुत ज़्यादा सूखते हैं, बहुत ज़्यादा, जब ये छोटी थी तभी भी सूखते थे और अभी भी सूखते हैं। और सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सृष्टि बना रही है चाय और मैं नहाई थी और मैंने बाल बाल सुखाए थोड़ा, तो सृष्टि भी अब नहा के आई है, मैं तो पहले नहा गई थी, तो सृष्टि अब चाय बना रही है। और मैं आपको बताऊँ, मैं सच में चाय बनाना धीरे धीरे भूलने लगी हूँ, क्योंकि ना अक्सर शाम को सृष्टि चाय बनाती है, तो सुबह तो बना लेते हैं पर शाम को सृष्टि ही चाय बनाती है, और सृष्टि के हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है और परफेक्ट डालती है ये चाय पत्ती, चीनी, मीठा 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 मीठा, इतना परफेक्ट डालती है कि कभी कभी होंठ चिपक जाते हैं, बस ज्यादा मीठा होने से कभी कभी होंठ चिपक जाते हैं, बाकी परफेक्ट है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, सच में सृष्टि ना बहुत अच्छी चाय बनाती है और परफेक्ट चाय बनाती है, और वही चाय बनाती है, तो मैंने सोचा आपके साथ सृष्टि की चाय शेयर कर ली जाए। सृष्टि चाय बना रही है तो हमको चाय देगी अभी अंदर, और उसके पापा सो रहे हैं अंदर, और उन पे कल वैक्सीन लगी थी, तो वैक्सीन लगने के कारण उनको आज थोड़ा सा पेन है हाथ में, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा बहुत पेन है थोड़ा सा हाथ में, तो वो अंदर रेस्ट कर रहे हैं, तो सृष्टि चाय बनाएगी तो अंदर लेके आ जाएगी, तो
चलो तो चलो। दोस्तों मेरे साथ ना एक समस्या है, मेरे को दो चीजों से प्रॉब्लम होती है, दो चीजों ये देखा, दो चीजों से प्रॉब्लम होती है। ज्यादा मिर्ची खाने से हिचकी आती है, वो कई लोगों के साथ होता है। सेकंड, जब मैं बहुत ओवरलोड हंस जाती हूँ, और अभी मैं कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा हंसी तो मेरे को एक घंटे तक हिचकी बंद नहीं होती है, वो रुक रुक के आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। तो ज़्यादा हंसना लोग कहते हैं सेहत के लिए बढ़िया है, और मैं ज़्यादा हंसती हूँ तो मुझे हिचकी मेरी सेहत ख़राब कर देती है। तो ऐसा कुछ है मंत्र जिससे कि ज़्यादा हंसने के बाद जो हिचकी आती है वो कंट्रोल में हो जाए? क्या है ना, हर दो सेकंड में इतना, मतलब मैं हंसती हूँ ना, अगर मतलब जैसे खुल के हंस गई, बहुत हंस गई। एक तो हंसना होता है, एक खुल के हंसना होता है बहुत। तो खुल के जब मैं ज़्यादा हंसती हूँ ना तो हिचकी, बाय गॉड हिचकी, मेरा तो यहाँ पे सीना मतलब दर्द कर देती है, इतनी हिचकी लगती है। तो कोई इसका उपाय है तो मेरे को प्लीज़ बताएं कि ज़्यादा हंसने से जो ये हिचकी लगती है ये कैसे कंट्रोल करें, बताना हाँ मुझे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा? तो जो भी बन पाता है मैं बना लेती हूँ छोटा मोटा, सृष्टि को भी साथ में ले लेती हूँ। तो आपको ये छोटा मोटा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बजा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना ताकि मैं और भी व्लॉग बनाऊँ। तो अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय।